Hello everyone, in this video I will tell you about last 15 years questions of NEET. So the question from NEET 2017 was MALT constitutes about percent of lymphoid tissue in human body. So basically this question is asking that how much percent of lymphoid tissue does the MALT constitute. तो इसका आंसर है 50%, बिकॉज दिस इज गिवन इन एनसीईआरटी कि इट इज़ नियरली 50% ऑफ द टोटल लिम्फॉइड टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी. और एमएएलटी का मतलब है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू. सो इसका आंसर है 50%. और ये नीट 2017 का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन था ये. The next question is transplantation of tissues organs fails often due to non-acceptance by the patient body. Which type of immune response is responsible for such rejection? ये NEET 2017 का question है, 2017 का. और इसमें ये पूछा है कि हम जब transplantation करते हैं और एक organ को या tissue को दूसरे body में लगाते हैं किसी और के body से निकाल के, तो किस वजह से कैसा इम्यून रिस्पॉन्स होता है जिसकी वजह से रिजेक्शन हो जाती है. तो इसका आंसर है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स बी, बिकॉज जो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है यही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि ग्राफ्ट का रिजेक्शन का कारण होता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम नीट 2016 फेज वन. एस्मा मे बी एट्रीब्यूटेड टू, क्या इसका मतलब है कि इसमें से विच वन डज एट्रीब्यूट टू एस्मा. तो पहला ऑप्शन दिया है एलर्जिक रिएक्शन ऑफ मास्ट सेल्स इन द लंग्स, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ट्रैकिया, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द लंग्स एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स. सो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है यही करेक्ट है, जो कह रहा है कि एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द मास्ट सेल इन द लंग्स. जहाँ पे भी एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं तो मास्ट सेल भी प्रेजेंट होता है वहाँ, और लंग्स में जब वो होता है तो उसके वजह से एस्थमा ट्रिगर होता है. ओके, अभी एनसीईआरटी के लेवल पे इतना ही समझना है, इतना बहुत है. तो इसका ऑप्शन पहला है एस्थमा में बी एट्रीब्यूटेड टू एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द मास्ट सेल्स इन द लंग्स. ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हायर वर्टिब्रेट्स द इम्यून सिस्टम कैन डिस्टिंग्विश सेल्फ सेल्स एंड नॉन सेल्फ इफ दिस प्रॉपर्टी इज लॉस्ट ड्यू टू जेनेटिक अबनॉर्मलिटी एंड इट अटैक्स सेल्फ सेल्स देन इट लीड्स टू. इसमें क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछा गया है कि जो हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग है, तो इनमें इम्यून सिस्टम जो है बॉडी के सेल को और बाहर के सेल को रिकोगनाइज कर सकता है, डिस्टिंग्विश कर सकता है. अगर ये प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो बॉडी खुद को ही अटैक करने लगती है, जो इम्यून सिस्टम है अपनी बॉडी को ही अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है. तो इसका ऑप्शन है ऑटो इम्यून डिजीज़. जो ऑटो इम्यून डिजीज़ होते हैं इसमें क्या होता है, बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो अपने बॉडी के ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगती है, मारने लगती है, क्योंकि वो पहचान नहीं पाती, उसको लगता है कि ये बाहर का टिश्यू है या पता नहीं कहाँ कहाँ गया. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर कैंसर सेल्स इन रिलेशन टू म्यूटेशन. 2016 का क्वेश्चन है फेज वन का, कि इसमें से जो कौन सा ऑप्शन है जो कैंसर सेल के लिए इन रिलेशन टू म्यूटेशन सही नहीं है. तो पहला ऑप्शन दिया है म्यूटेशंस डिस्ट्रॉय टेलोमेरेज इनहिबिटर, सेकंड ऑप्शन है म्यूटेशंस इनएक्टिवेट द सेल कंट्रोल, थर्ड ऑप्शन है म्यूटेशन इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ टेलोमेरेज, एंड फोर्थ ऑप्शन है म्यूटेशंस इन प्रोटो ऑन्कोजींस एक्सेलरेट द सेल साइकिल. इसका जो है आंसर सी है, इसका सी करेक्ट आंसर है, बिकॉज
जो कैंसर सेल होते हैं उनमें टेलोमेरेज एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो टेलोमेरेज का जो स्टेबिलिटी है उसको बचा के रखना होता है, लॉन्ग टर्म प्रोलाइफरेशन ऑफ ट्यूमर्स को बढ़ाने के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है, दिस मेक्स टेलोमेरेज अ टारगेट नॉट ओनली फॉर कैंसर डायग्नोसिस बट ऑल्सो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नोवेल एंटी कैंसर थेरापेटिक एजेंट्स, जो कि टेलोमेरेज इनहिबिटर है। इसलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, ये उल्टा लिख दिया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंटी वेनोम इंजेक्शन कंटेंट्स परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज, वाइल पोलियो ड्रॉप्स आर एडमिनिस्टर्ड इन टू द बॉडी कंटेन। इसमें ये पूछा है कि जो पोलियो ड्रॉप्स होते हैं डायरेक्ट बॉडी में डाला जाता है, मुंह से पिलाया जाता है, वो क्या होता है। तो जो पोलियो की वैक्सीन है उसमें क्या होता है, एटेन्यूएटेड पैथोजन होते हैं, इसका सी करेक्ट ऑप्शन है। उसमें जो पैथोजन होता है उसको ही चेंज करके थोड़ा बहुत डाल दिया जाता है ज़रूरत के हिसाब से, कि वो बॉडी की इम्यून को उस हिसाब से बना सके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एड्स पॉजिटिव एजेंट HIV, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। एड्स और HIV, एड्स का जो पॉजिटिव एजेंट होता है HIV, उसके रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन दिया है, HIV इज इन्वॉल्व्ड वायरस कंटेनिंग वन मॉलिक्यूल ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड RNA एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सेकेंड ऑप्शन है, HIV इज इन्वॉल्व्ड वायरस दैट कंटेन टू आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड RNA एंड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। थर्ड ऑप्शन है, HIV इज अन इन्वॉल्व्ड रेट्रो वायरस। और फोर्थ ऑप्शन है, HIV डज नॉट एस्केप बट अटैक्स द एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। तो इसमें जो बी ऑप्शन है ये मोस्ट करेक्ट लगता है, बी वाला, HIV इज एनवेलप्ड वायरस दैट कंटेन्स टू आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड RNA एंड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। फिर भी ये क्वेश्चन थोड़ा, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, इसको बाद में देखेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ये 2016 का क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा डिजीज़ है जो बैक्टीरिया से होता है। पहला ऑप्शन में दिया है कॉलर और टेटनस, सेकंड ऑप्शन में दिया है टाइफाइड एंड स्मॉल पॉक्स, फोर्थ में दिया है टेटनस एंड मम्प्स, और फोर्थ में दिया है हर्पिस एंड इन्फ्लुएंजा। इसमें जो पहला ऑप्शन है यही दोनों बैक्टीरिया से होता है, कॉलरा और टेटनस, ये दोनों बैक्टीरिया से होता है। बिकॉज सेकंड ऑप्शन में टाइफाइड है जो कि बैक्टीरिया से होता है, लेकिन स्मॉल पॉक्स वायरल है, मम्स वायरल है, और हर्पिस भी वायरस है, इसलिए पहला ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है इसका। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू सस्पेक्ट मेजर डिफिशियंसी ऑफ एंटीबॉडीज इन अ पर्सन टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू लुक फॉर कन्फर्मेटरी एविडेंस। अगर किसी इंसान में एंटीबॉडीज़ की कमी है तो हम कन्फर्म कैसे करेंगे, कन्फर्मेटिव एविडेंस किस चीज़ को बनाएंगे। इसमें ऑप्शन दिया है, फिब्रिनोजेन इन प्लाज्मा, हेमोसाइट, सीरम अल्ब्यूमिन, सीरम ग्लोबुलिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, सीरम ग्लोबुलिन्स हम चेक करेंगे ब्लड टेस्ट के थ्रू, तब हमें पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। इनमें से कौन सा डिजीज़ है जो प्रोटोजोआ से होता है, साइफिलिस नहीं होता है, इन्फ्लुएंजा नहीं होता है,
ब्लास्टोमाइकोसिस भी नहीं होता है, बेबीसियोसिस होता है। ये डिजीज़ जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट है, ये प्रोटोजोआ से होता है। ये 2015 का क्वेश्चन है सीबीएसई एपीएमटी का। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफ्टेड किडनी में बी रिजेक्टेड इन अ पेशेंट ड्यू टू। अगर हम किसी पेशेंट में, अगर उसकी किडनी ख़राब हो जाती है, दूसरे इंसान से निकाल के उसके अंदर किडनी लगाते हैं, तो रिजेक्ट क्यों होता है? अभी हमने एक और क्वेश्चन देखा था ऐसा ही, जिसका ऑप्शन था आंसर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसका भी सेम होगा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है ये रिस्पॉन्सिबल होती है ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए। जो ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है इसके लिए सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स डज कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट परसेंटेज इन ह्यूमन मिल्क। कौन सा इम्यूनोग्लोबिन है जिसका लार्जेस्ट परसेंटेज होता है ह्यूमन मिल्क में, मिल्क पूछा है, और ये 2015 का क्वेश्चन है, और इसका आंसर है IgA। IgA सबसे ज़्यादा होता है, जितने भी इम्यूनोग्लोबिन्स ह्यूमन में फाउंड होते हैं तो IgA सबसे ज़्यादा होता है, और ये हर ऑलमोस्ट ये उसमें पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज़ द पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रग डेट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट वुज वन फ्लावरिंग ब्रांच इज शोन बिलो। इसमें एक प्लांट दिया गया है और ये पूछा गया है कि इस प्लांट के ब्रांच से कौन सी दवा बनाई जाती है। ये IPMT 2014 का क्वेश्चन है। तो अगर आप ठीक से देखेंगे तो पता चलेगा कि ये प्लांट जो है ये धतूरा का प्लांट है, NCERT में दिया है, 12th क्लास में एक चैप्टर है उसमें, तो धतूरा का प्लांट है ये। और इसका जो यूज़ होता है वो होता है हेलुसिनेशन में। हाँ, तो ये हेलुसिनोजेन होगा, ठीक है। ये जो प्लांट है धतूरा, क्या कॉज करता है? ये हेलुसिनेशन कॉज करता है, जिसकी वजह से हेलुसिनोजेन इसको हम बोलेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन डज वन यूजुअली शो सिम्टम ऑफ एड्स। कि जब HIV इन्फेक्शन के किस स्टेज में सिम्टम शो होते हैं, ये सवाल इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया है विद इन 15 डेज ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। पहला ऑप्शन तो गलत है, इतनी जल्दी नहीं होता है। विन द इन्फेक्टेड रेटोवायरस इंटर्स होस्ट सेल, ये भी गलत है, इतना जल्दी भी नहीं होता है। बी भी ऑप्शन गलत है। थर्ड ऑप्शन है विन HIV डैमेज लार्ज नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट, ये ऑप्शन करेक्ट है। जब बहुत ज़्यादा टी लिम्फोसाइट, हेल्पर टी लिम्फोसाइट डैमेज हो जाते हैं तब सिम्टम आना शुरू होता है इंसान को, अलग अलग बीमारी होना शुरू होती है, इन्फेक्शन होना शुरू होता है, बहुत ज़्यादा ऑर्गन डैमेज होना शुरू हो जाता है, तब पता चलता है। सो इसका जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजाई कंटेंस हेलुसिनोजेंस। इनमें से कौन सा फंजाई है जिनमें हेलुसिनोजन प्रॉपर्टी होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, ये वाला जो है एमेनिटा मस्केरिया, इससे होता है हेलुसिनेशन होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फेक्शन ऑफ एस्केरीज यूजुअली अकर्स बाय। जो एस्केरीज का इन्फेक्शन है वो कैसे होता है? पहला ऑप्शन है ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग एग ऑफ एस्केरीज, सेकेंड ऑप्शन है ईटिंग इन परफेक्टली कुक पॉर्क से फ्लाई मॉस्किटो बाइट। ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, इसका ये ऑप्शन ही करेक्ट है। जो एस्केरीज के इन्फेक्शन होता है वो
मोस्टली मोस्ट केसेस में वाटर से ही होता है और एग से होता है। ये नीट 2013 का क्वेश्चन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इनसाइड द ह्यूमन बॉडी इज कैरीड आउट बाय। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसको हम शॉर्ट में CMI भी बोलते हैं, ये ह्यूमन बॉडी में कैसे होता है? ये होता है टी लिम्फोसाइट के थ्रू। जो टी लिम्फोसाइट हैं इनको ही सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बोला जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विडाल टेस्ट इज कैरीड आउट टू टेस्ट। ये AIPMT 2012 का क्वेश्चन है और 2010 में भी कई बार आया हुआ है, और ये इजी भी है और अच्छा क्वेश्चन भी आ सकता है हमेशा। इसमें पूछा है कि विडाल टेस्ट किस लिए करते हैं, तो ये टाइफाइड के लिए करते हैं, जब टाइफाइड का कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है विडाल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन कोल्ड डिफर्स फ्रॉम निमोनिया इन डैट। इसमें कॉमन कोल्ड और निमोनिया में डिफरेंस पूछा है। तो पहला ऑप्शन है, निमोनिया इज अ कम्युनिकेबल डिजीज वेयर एज कॉमन कोल्ड इज न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिजीज। नहीं, ये दोनों कम्युनिकेबल हैं, इसलिए आंसर गलत है। निमोनिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय अ लाइव एटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन वेयर एज द कॉमन कोल्ड हैज नो इफेक्टिव वैक्सीन। ये भी ऑप्शन गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। निमोनिया इज कॉज्ड बाय वायरस व्हाइल द कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि कॉमन कोल्ड भी वायरस से ही होता है, इसमें लिखा है बैक्टीरिया। और डी ऑप्शन है निमोनिया पर, अब तो डी ऑप्शन ही बचा है तो यही करेक्ट होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। निमोनिया पैथोजन इन्फेक्ट्स अल्वेलाई वेयर इज द कॉमन कोल्ड अफेक्ट्स नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स। हाँ, ये सही है और ये NCERT की लाइन भी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ कैंसरस सेल्स वेयर इज रिमेनिंग 3 आर। इसमें ये पूछा है कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी कैंसरस सेल की नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ कैंसरस सेल, कैंसर वाले सेल की प्रॉपर्टी इनमें से कौन सी नहीं है। पहला ऑप्शन है, दे कम्पीट विथ नॉर्मल सेल फॉर वाइटल न्यूट्रिएंट्स। ये तो सही है, कैंसर सेल ऐसा ही करते हैं NCERT में। दे डू नॉट रिमेन कन्फाइंड इन द एरिया ऑफ फॉर्मेशन, ये भी है। दे डिवाइड इन एन अनकंट्रोल्ड मैनर, ये भी होता है, वो कैंसर के सेल अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड करते हैं। और लास्ट ऑप्शन है, दे शो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ये गलत आंसर है, क्योंकि जो कैंसर वाले सेल होते हैं वो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को शो नहीं करते हैं, इसीलिए वो बहुत तेज़ी से भी बैल पड़ते हैं, इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस द टू एग्जांपल्स आर करेक्टली मैच्ड विद देयर पर्टिकुलर टाइप ऑफ इम्यूनिटी। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स सेलुलर बैरियर्स, सही है। एंटी टेटनस एंड एंटी स्नेक बाइट इंजेक्शन एक्टिव इम्यूनिटी, नहीं ये गलत है। सलाइवा इन माउथ एंड टीयर्स इन आइज फिजिकल बैरियर, नहीं ये भी गलत है, ये फिजिकल नहीं, ये फिजियोलॉजिकल बैरियर। म्यूकस कोटिंग ऑफ एपिथेलियम फिजियोलॉजिकल लाइनिंग, 1 मिनट, म्यूकस कोटिंग ऑफ एपिथेलियम लाइनिंग एंड यूरिनो जेनिटल ट्रैक्ट एंड द एसिल स्टोमिकल स्टोमैक फिजियोलॉजिकल बैरियर, ये भी गलत ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट था, यही सही है। ये जो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स होते हैं और मोनोसाइट्स होते हैं, ये सेलुलर बैरियर होते हैं। ये AIPMT 2012 का क्वेश्चन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिरहोसिस ऑफ लीवर इज कॉज्ड बाय द क्रॉनिक इनटेक ऑफ। किस चीज़ की बहुत दिनों तक इनटेक से सिरहोसिस ऑफ लीवर होता है। तो इसका जो ऑप्शन है ये है अल्कोहल, करेक्ट ऑप्शन है। बहुत दिन तक अल्कोहल पीने से लीवर का सिरहोसिस होता है,
और ये AIPMT 2012 का क्वेश्चन है, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के रिस्पेक्ट में कौन सा ऑप्शन या स्टेटमेंट करेक्ट है? AIPMT 2012 का क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज नीड टू बी इंजेक्टेड टू ट्रीट द बाइट बाई वाइपर स्नेक, ये करेक्ट ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन है, द एंटीबॉडीज अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स पैथोजन आर प्रोड्यूस बाई टी लिम्फोसाइट, गलत है ये। एंटीबॉडीज आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ईच ऑफ विच हैज़ फोर लाइट चेन, ये गलत है क्योंकि दो हैवी चेन होता है, दो लाइट होता है। रिजेक्शन ऑफ अ किडनी ग्राफ्ट इज द फंक्शन ऑफ बी लिम्फोसाइट, ये भी गलत है क्योंकि बी नहीं होता है, टी होता है, इसलिए पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज नीड्स टू बी इंजेक्टेड टू ट्रीट द बाइट ऑफ अ वाइपर स्नेक। अब ये पिछले 10 साल के क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं।